नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल। और आज का वीडियो है राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए अक्टूबर 2019 कैसा रहेगा उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शुक्र ग्रह के बारे में। प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आपको ये प्रेडिक्शन जो है वो चंद्र राशि आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र दो नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि वृषभ है और ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर 15 मई से 14 जून के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके वृषभ राशि में है कुंडली में, तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों मिथुन राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शन आज का। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शुक्र ग्रह की ट्रांजिट से। तो शुक्र ग्रह का जो भ्रमण है आपकी राशि से छठे स्थान के अंदर है, शुक्र का जो भ्रमण है वो पंचम स्थान के अंदर है कन्या राशि के अंदर, और शुक्र का जो यहाँ पर भ्रमण है वो 3 अक्टूबर तक है जो कि शुक्र नीच राशि के अंदर है। फिर भी पंचम स्थान के जो कारक ग्रह में शुक्र आते हैं तो लव मैटर में सक्सेस देने वाले बनेंगे और संतान रिलेटेड आपकी कार्य हो सकते हैं। मित्रों से लाभ रहेगा, स्त्री मित्रों से लाभ रहेगा। 3 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और चलेंगे आपकी राशि से छठवें स्थान के अंदर 6th हाउस में, जो कि आपका शत्रु का स्थान है, रोग एवं शत्रु का स्थान है। तो यहाँ पर शुक्र अपने ही घर के अंदर भ्रमण करेंगे जिसके कारण आपको रोग एवं शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे। मामा या मौसी की ओर से भी आपको लाभ मिल सकता है। खर्चे आपके बढ़ेंगे, लग्जरियस एक्सपेंसेस बढ़ेंगे आपके, क्योंकि जो शुक्र की दृष्टि है वो 12वें स्थान के अंदर है। 12वें स्थान के अंदर शुक्र का जो दृष्टि है जिसके कारण होटल मोटल रेस्टोरेंट्स इत्यादि के अंदर, कपड़ों में, सिनेमा नाटक इत्यादि के अंदर आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। यात्रा प्रवास के अंदर भी आपका खर्चा हो सकता है, कहीं आप घूमने जाओ उसमें भी आपका खर्चा हो सकता है। तो खर्चे आपके बढ़ेंगे और शुक्र का जो यहाँ भ्रमण है आपको मामा मौसी की ओर से भी बेनिफिट करवाएंगे। शुक्र का यहाँ पर भ्रमण है 28 अक्टूबर 2019 तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली पूरा मंथ ही समझ लो आप, तो शुक्र ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ है। फिर भी जो छठवां स्थान है 6th हाउस जो है ये खाड़ा का स्थान बना गया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास का अभाव होगा। तो लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। रूटीन कार्य के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। 29 अक्टूबर के बाद जब शुक्र चलेंगे सप्तम स्थान के अंदर, तो आपकी राशि से चलेंगे सप्तम स्थान के अंदर, 28 अक्टूबर से भ्रमण चालू हो जाता है। तो 28 अक्टूबर को जब शुक्र चलेंगे वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पर शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन के जो प्लेस है, पब्लिक लाइफ का जो स्थान है, यहाँ पर शुक्र चलेंगे, तो अविवाहित जो जातक हैं इनके लिए विवाह का योग करने वाले बनेंगे। मैरिड जो भी जातक हैं, जो भी जातक विवाहित हैं, उनको दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बढ़ेगी और अविवाहित जो जातक है इनको विवाह के योग करने वाले बनेंगे। तो ये शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ है। गुरु के साथ चलेंगे शुक्र यहाँ पर, तो जो कोई भी जातक मैरिज के लायक हो गए हैं, मतलब एज हो गई है मैरिज की या एंगेजमेंट की, तो उनके डेफिनेटली एंगेजमेंट या तो मैरिज हो सकता है। तो ये जो शुक्र है लव मैटर में आपको सक्सेस देने वाले बनेंगे 29 अक्टूबर 2019 के बाद।
प्रिडिक्शन में अभी बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह और सब ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। सूर्य का प्रिडिक्शन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूर्य के बिना पृथ्वी के ऊपर जन जीवन का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। तो सूर्य हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है, प्लैनेट है, और ग्रह मंडल के राजा ग्रह है। तो सबसे पहले बात हमारे पिता कारक है, हमारे पितृ कारक है, तो सूर्य ग्रह की ट्रांजिट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो सूर्य का सबसे पहले देखिए फल के ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य की ट्रांजिट आपके लिए क्या कहती है। तो सूर्य का जो भ्रमण है वो कन्या राशि में है, पंचम स्थान के अंदर है, मंगल के साथ है। मंगल का भी भ्रमण जो है वो 25 सितंबर से 10 नवंबर तक पंचम स्थान के अंदर चलेंगे और 17 अक्टूबर तक सूर्य भी साथ में चलेंगे यहाँ पर पंचम स्थान के अंदर। तो आपको डिसअपॉइंटमेंट करवाएंगे लव मैटर के बारे में। जो कोई भी जातक पढ़ाई कर रहे हैं इनको पढ़ाई में ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस आने के चांसेस हैं, मित्रों के साथ अनबन हो सकती है और संतान रिलेटेड सामान्य चिंता टेंशन भी आपका बढ़ सकता है। जो कोई भी जातक शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि का कार्य कर रहे हैं इनको भारी लॉसेस आने की संभावना रहेगी। सूर्य 17 अक्टूबर 2019 को राशि परिवर्तन करके चलेंगे आपकी राशि से छठवें स्थान के अंदर, सिक्स्थ हाउस के अंदर। शुक्र आपके शत्रु विजय करवाने वाले बनेंगे। जो कोई भी जनता गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं इनको भी लाभ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, अपर लेवल से लाभ मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा। भले सूर्य नीच राशि के अंदर है लेकिन जो स्थान है आपका छठवां स्थान है, यहाँ पर जो सूर्य है आपके लिए शत्रु विजय योग करवाने वाले बनेंगे। तो ये स्थान के अंदर आपको लाभ करने वाले बनेंगे, आपके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो सूर्य आपके लिए 17 अक्टूबर के बाद शुभ फल देने वाले होंगे। मंगल जैसे बताया कि पंचम स्थान के अंदर चल रहे हैं 25 सितंबर 2019 से लेकर 10 नवंबर 2019 तक, मतलब पूरा अक्टूबर मंगल पंचम स्थान के अंदर चलेंगे। और जो ये कन्या राशि है ये बुध की राशि है, यहाँ पर मंगल को, ये राशि मंगल को सूट नहीं करती है, जिसके कारण डिसअपॉइंटमेंट इन लव मैटर, पढ़ाई करने वाले जातकों को भी डिस्टर्बेंस देखा जाएगा, मित्रों के साथ अनबन होगी। विवाहित जो जातक हैं इनको इन लॉस की ओर से भी टेंशन आ सकता है, आपको आग एवं इलेक्ट्रिक से भी केयर करना होगा और आंखों का विशेष केयर करना होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, क्योंकि जो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है आपके अष्टम स्थान के अंदर है और अष्टम दृष्टि है वो आपके बारहवें स्थान के अंदर है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। बुद्धि तत्व के कारक ग्रह बुध ग्रह की ट्रांजिट क्या कहती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बुध का जो भ्रमण है ये 29 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक बुध तुला राशि में चल रहे हैं। तो राशि से आपके छठवें स्थान के अंदर चलने वाले बुध शुभ फल लेने वाले नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बुध चलेंगे ये शुक्र की राशि में चलेंगे। तो तुला राशि जो है ये शुक्र की राशि है, वायु तत्व की राशि है और बुध का यहाँ पर भ्रमण आपके माइंड को जबरदस्त वाइब्रेंट करने वाला बनेगा। माइंड का आपको बहुत केयर करना होगा। वाइब्रेंट सिचुएशन के आप अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में ना ले ले, उसका आपको खास केयर करना होगा। साथ आपको कम्युनिकेशन के अंदर भी केयर करना होगा, और कम्युनिकेशन खास करके आप जो को जॉब कर रहे हैं तो साथ में काम करने वाले सहकर्मचारीगण से, और जॉब कर रहे हैं तो और साथ साथ आपको मामा एवं मौसी के साथ मैटरनल साइड के भी साथ आपको कम्युनिकेशन के अंदर केयर करना होगा, क्योंकि जो सिक्स्थ हाउस है आपका शत्रुओं का स्थान है, ऋण का स्थान है। तो कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। जो बुध का ये भ्रमण है तुला राशि के अंदर 29 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक तुला राशि के अंदर, हालांकि आपको वेस्टर्न डायरेक्शन से बुध बेनिफिट करवाएंगे और 23 अक्टूबर से बुध चलेंगे वृश्चिक राशि के अंदर। तो वृश्चिक के जो बुध है आपकी राशि से सप्तम स्थान के अंदर चलेंगे,
तो सप्तम स्थान के अंदर जो बुध का फल है वो मध्यम फलदायी माना जाएगा, क्योंकि ये राशि भी बुध को सूट नहीं करती है, क्योंकि ये राशि मंगल की राशि है। तो यहाँ पर थोड़ा एग्रेसिवनेस आपका बढ़ सकता है, और जो कोई भी जब तक विवाहित है उनको खास करके दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में विशेष केयर करना होगा। ज्ञान के कारक ग्रह गुरु, गुरु ग्रह की ट्रांजिट आपकी राशि से सप्तम स्थान के अंदर है, दाम्पत्य जीवन के स्थान के अंदर है, तो विवाहित जातकों को ये थोड़ा डिस्टर्बेंस करने वाले होंगे, लेकिन अविवाहित जो जातक हैं इनके लिए विवाह का योग करने वाले बनेंगे। गुरु के लिए ऐसा कहते हैं भावादि भाव दोष कारकम, इस सिद्धांत के अनुसार गुरु जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव के फल को थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। इस हिसाब से आपको सप्तम स्थान के अंदर जो चल रहे हैं गुरु, ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाले बनेंगे दाम्पत्य जीवन में। फिर भी यहाँ पर शुक्र की ट्रांजिट चल रही है इस मंथ के दौरान, जो 3 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक, तो आपकी दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखेंगे। गुरु की जो दृष्टि होती है, तमाम शुभ ग्रहों की जो दृष्टि होती है वो शुभ मानी जाती है। गुरु की जो पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान के अंदर है, जो आपको मित्रों से लाभ करने वाली होगी, ये गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाले होंगे, आपके नॉलेज में वृद्धि करने वाले होंगे, क्योंकि आपके जन्म के चंद्र के सामने हैं, तो धीमे धीमे आपके नॉलेज में भी वृद्धि होती है, ज्ञान में भी वृद्धि होती है। ये गुरु आपको नए साहस करवाएंगे, ब्रदर सिस्टर रिलेशन से भी आपको लाभ मिल सकता है, उनसे भी आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे दंड नायक ग्रह शनि महाराज के बारे में। तो शनि महाराज की ट्रांजिट राशि से अष्टम स्थान के अंदर है, 8वें स्थान के अंदर शनि स्वरूप नहीं माने जाएंगे। शनि आपका जो करियर का प्रोग्रेस है वो स्लो कर रहे हैं। 8वें स्थान में जब शनि बैठते हैं तो कार्य क्षेत्र 10वां स्थान जो है वो आपका इसके इफेक्ट के अंदर आ जाता है, और इसके इफेक्ट में खास करके आपको दाम्पत्य जीवन इसके इफेक्ट के अंदर आपको करियर के अंदर जो कोई भी जब तक जॉब कर रहे हैं इनको अपर लेवल से टेंशन कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसका खास केयर करना होगा। रिलेशन में खास करके फादर के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, विवाहित जातक जो हैं उनको अपने बच्चों के साथ, संतानों के साथ, अपने लव वन के साथ टेंशन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए उसका केयर करना होगा। जो कोई भी जब तक पढ़ाई कर रहा है उनको पढ़ाई में विशेष ध्यान देना होगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। शनि केतु के साथ चल रहे हैं जिसके कारण आप हर कार्य में विलंब महसूस करेंगे, डिले महसूस करेंगे। शनि की शांति के लिए आप हर शनिवार को तेल का दान कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, और अपने ईष्ट देव या देवी का महत्तम ध्यान मंत्र कर सकते हैं। तो कुल मिला के क्या कहेंगे, इस मंथ का सारांश क्या है वृषभ राशि के लिए अक्टूबर 2019 के अंदर, के 17 अक्टूबर तक जब तक सूर्य मंगल साथ में चल रहे हैं तो आपको अपने टेम्परनेस पर कंट्रोल करना होगा, और ख़ास करके आपको रिलेशनशिप में अपने संतानों के साथ, अपने इन लॉज के साथ ज़्यादा केयर करना होगा, क्योंकि सूर्य मंगल अंगारक योग 17 अक्टूबर तक है। फिर भी अंगारक योग चालू रहेगा शनि मंगल का 17 अक्टूबर के बाद भी, क्योंकि मंगल और शनि दोनों एक दूसरे के ऊपर दृष्टि करते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव में और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पंचम स्थान के अंदर, तो 5वां एवं 8वां स्थान आपका दोनों अंगारक योग के इफेक्ट में आ जाते हैं, जिसके चलते हुए आपको पेट के रिगार्डिंग कुछ दर्द होने की भी संभावना रहेगी, पेट में एसिडिक रिएक्शन बढ़ेगा, प्राइवेट पार्ट के अंदर भी कुछ आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, गर्मी हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, तो उसमें भी आपको केयर करना होगा। खान पान में विशेष केयर करें, एसिडिक रिएक्शन ना हो ऐसी आप देखें कि खान पान में विशेष केयर करें।
कौन कौन से डेट्स आपको ज़्यादा टेक केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार है। सबसे पहले तो आपको डेट टेक केयर करना होगा 1, 2 और 3 अक्टूबर के अंदर, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मेष राशि में। तो मेष के चंद्र राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं, मेष के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र के अंदर आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि उसका और मेरा 12वां चंद्र है, 12वां चंद्र मतलब उसके साथ हमारी पटती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 12वां चंद्र होता है तो आप खुद के ही आप दुश्मन बन सकते हो, खुद आप गलत डिसीजन ले सकते हो। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। जो डेट रहेगा 1, 2 और 3, वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 23, 24 और 25, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे सिंह राशि में। तो सिंह के जो चंद्र हैं वो राशि से चौथे स्थान के चंद्र बनते हैं। चौथा चंद्र छाती के ऊपर होता है, जिसके कारण अननेसेसरी टेंशन कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है और ऐसी परिस्थिति के अंदर भी आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा धन के चंद्र, धन के चंद्र जो है अक्टूबर महीने के अंदर वो इस प्रकार है। धनु के चंद्र जो है वो 4, 5 और 6, अष्टम चंद्र 4, 5, 6 को रहेगा। तो ये डेट्स के अंदर आपको शनि के साथ चलेंगे चंद्र, केतु के साथ चलेंगे, जिसके कारण आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और जो मेष के चंद्र हमने अभी आपको बताया वो डेट रहेगा 14, 15 और 16, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, 1 अक्टूबर नहीं है, 14, 15, 16 मेष का चंद्र 12वां चंद्र है, जो डेट रहेगा 14, 15, 16। उसके पहले आपको डेट टेक केयर करना होगा 8वां चंद्र 4, 5 और 6, जिसमें चंद्र चलेंगे धनु राशि में। और उसके बाद 14, 15, 16 मेष के चंद्र, और उसके बाद आपको डेट टेक कर करना होगा सिंह के चंद्र, जो डेट रहेगा 23, 24 और 25। इन तारीखों में आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। यदि आपकी जानकारी में कोई मित्र हैं आपके वृषभ राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। अब जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ जय गणेश, गुड लक, ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स।